फ्रेंड्स मेरा नाम डॉक्टर गौरव अग्रवाल है और मैं बच्चों की हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज करता हूं। आज मैं एक बच्चों के हृदय में जो एक होल होते हैं बहुत सारे उसमें से एक बहुत कॉमन होल होता है जिसे हम पी बोलते हैं पी डी ए मीन्स पेटन डक्टस आर्टीरियोस ये होल जो है बच्चों में जब बच्चा पेट में होता है तब भी होता है लेकिन बहुत सारे बच्चों में पैदा होने के कुछ घंटों के अंदर ये होल बंद हो जाता है अपने आप बाकी जो बच जाते हैं उसमें से कुछ एक में ये होल बंद होता है अगले आने वाले कुछ हफ्तों में लेकिन कुछ में ये बिल्कुल बंद नहीं होता है तो पेटेंट एक्टस आर्टीज जिस पी डी जैसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ये हार्ट की दो बड़ी नलियों जिसमें से एक का नाम एयोटा होता है और दूसरा नाम पलमी आर्टरी होता है के बीच में होता है इस हार्ट के होल की वजह से बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं जिसमें कि डिपेंड करता है उस बच्चे की एज कितनी है और उस पीडीए का साइज़ कितना है सपोज फॉर एग्जांपल ये बच्चा जब पैदा हुआ पीडीए उसके पास होता ही है ऑटोमेटिकली अगर ये बंद नहीं होता है और बच्चा कम दिन का पैदा होता है और कम वजन का पैदा होता है स्पेशली लेस देन वन पॉइंट तो उस केस में बच्चे को अगर पीडीए का साइज़ बहुत बड़ा है तो बच्चे को सांस बहुत फूलता है सांस लेने में दिक्कत होती है दूध पीने में दिक्कत होती है और वो वेंटिलेटर पे भी रुक जाता है काफ़ी दिनों के लिए तो उसको उस वक्त उस वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए इस पीडीए को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है इन्फेंट या अर्ली चाइल्डहुड में सिम्टम्स डिपेंड करते हैं उस पी के साइज़ पर वो साइज कितना बड़ा है फॉर एग्जाम्पल अगर पी का साइज बहुत बड़ा है तो बच्चे को दिक्कत डेढ़ से दो महीने पे आनी शुरू हो जाती है वो इस तरह से बच्चा को प्रॉब्लम करता है कि बच्चे को दूध नहीं पी पाता है दूध पीते पीते थक जाता है रुकेगा फिर दूध पिएगा इसे हम सक्रैस सक साइकिल बोलते हैं बच्चे का वजन प्रॉपर नहीं बढ़ेगा बच्चे को बार बार खांसी जुकाम हो सकता है निमोनिया भी हो सकता है और उसके लिए एडमिट भी करना पड़ जाता है कई बार अगर बहुत छोटा होल है तो बच्चा जनरली उसको कोई दिक्कत होती नहीं है और उस केस में जो लोकल पीडटिशन उस बच्चे को देख रहे होते हैं उनको कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देता है छाती में जिसकी वजह से वो पिक होता है लेकिन अगर ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है तब भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो बहुत बड़ा साइज़ है उसके कंपेरिजन कम होती है लेकिन बच्चे का वजन कम बढ़ता है बार बार खांसी जुकाम हो सकता है इस पीडीए को पता करने के लिए हमें एक टेस्ट करना होता है जैसे हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं और इसे डॉक्टरी भाषा में हम एको कार्डियोग्राफी बोलते हैं एको कार्डियोग्राफी करके हम बच्चे के हार्ट का जो पी का साइज़ है वो हम पता लगा सकते हैं और उस पी की वजह से उसके चैम्बर्स का साइज स्पेशली द लेफ्ट साइडेड चैम्बर्स ऑफ द हार्ट डायलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए न्यूबॉर्न में पी का साइज़ मेजर करना प्लस उसका लेफ्ट एट्रियम का साइज और आरोटा का साइज़ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एहसाइस करना

जिसको हम 48 एट आवर्स तक देते हैं उसके बाद उसका इफेक्ट देखते हैं कि कुछ पीढ़ी का साइज़ कम हुआ या बंद हुआ कि नहीं हुआ अगर नहीं होता है तो हम एक रिपीट ट्रायल और दे सकते हैं आइडर पैरासीटामल और प्रूफ एंड इसके बावजूद भी अगर नहीं होता है और पीढ़ी का साइज सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है तो हमें उसको बंद करना होता है बंद करने के न्यू न्यूबॉर्न में दो तरीके हैं या तो हम सर्जरी से बंद करते हैं या बिना सर्जरी के एनजियोग्राफिक तरीके से बंद करते हैं जनरली लार्ज पी डी एंड न्यू बॉर्न हैज़ टू बी क्लोज बाई सर्जरी बट अगर साइज उसका लेस देन थ्री एम एम है तो वी कैन क्लोज दैट पी डी ए न्यू बॉर्न ऑल्सो बाई एनजोग्राफिक क्लोजर बट इट इज ए लिटिल मोर रिस्की एज कम्पेयर टू सर्जिकल लाइजेशन स्पेशली इन द न्यू बोर्न एज ग्रुप बड़े बच्चों में स्पेशली जो कि छः सात किलो से बड़े हैं और मोर देन फाइव के जी हैं देन अगर उसका पी डी ए का साइज भी छोटा है मॉडरेट साइज है देन वी कैन थिंक अबाउट क्लोजिंग दैट पीडियड बाई डिवाइस क्लोजर और छतरी डिवाइसे जो आम भाषा में हम उसे छतरी डिवाइस बोलते हैं इस केस में हम बच्चे को कैथलेम में लेके जाते हैं बच्चे को कुछ बेहोशी की दवाई देते हैं जिससे बच्चा सो जाता है फिर उसके पैर की नसों के थ्रू जो कि हार्ट से कनेक्टेड होती हैं हम उसके थ्रू जाते हैं और हार्ट में जाके सोल के चारों तरफ कैथेटर वायर ट्यूब्स से जाते हुए एक छतरी नमा डिवाइस होती है जो उसके पास हम लाक जाके बैठा देते हैं जिससे होल हो परमानेंटली बंद हो जाता है इस प्रोसीजर को करने के लिए बच्चे को हमें 48 टू 72 टू आवर्स हॉस्पिटल में रखना होता है इससे ना बच्चे के शरीर पर कोई निशान आता है ना उसे कोई दवाई खानी होती है और बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी फ्रॉम द नेक्स्ट डे कर सकता है इस प्रोसीजर को हम पीडीए डिवाइस क्लोज़र बोलते हैं या एंजियोग्राफिक क्लोजर और पीडीए बोलते हैं ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है आज के टाइम में बहुत सिंपल प्रोसीजर है ये 98 टू 99 परसेंट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल हो जाता है अगर हम उस पीडीए को किसी भी वैसे डिवाइस से बंद नहीं कर सकते जो कि हम इको पे डिसाइड कर लेते हैं ज़्यादातर टाइम तो फिर हमें उसे फाइनली सर्जरी के लिए भेजना होता है सर्जरी के लिए हम उसको दो तरीके से बंद कर सकते हैं जनरली हम पीछे लेफ्ट साइड से जाते हैं लेफ़्ट साइड में एक चीरा लगाते हैं और उस पी को फाइंड करते हैं और उस पी को बंद कर देते हैं कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड अनाटवी वाले जो पी होते हैं उसके लिए हमें ओपन हार्ट सर्जरी से मतलब चेस्ट ओपन करके उस पी को बंद करके आना होता है इसमें मशीन बच्चे को बाईपास मशीन पे हम नहीं रखते हैं रिकवरी बहुत फास्ट होती है सर्जरिकल रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं वी कैन क्लोज पी डी ए नाव डेज Most of the time with the device. Ne surgical indication is generally left in the newborn period only.